कैन आई गेट अ शेविंग किट प्लीज? मिया, घर का बाथरूम है, होटल का नहीं। फाइव स्टार होटल जैसा बाथरूम विद हिंसवेयर इटालियन कलेक्शन। नमस्कार, मैं असलम न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ठीक सामने खड़ा हूं। यहां आज संजय महशाक जी, जो कि पूरे विश्व में नाम रोशन करके आए हैं। भूटान में ये अंडर 17 जो मैच हुई थी, आखिरी फाइनल मैच बांग्लादेश और इंडिया के बीच अंडर 17, इस पे विजय प्राप्त करते हुए आज वापस आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, संजय महशाक जी अंडर 17 फुटबॉल, भारत के फुटबॉल टीम, तो भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम है, उसे लीड करते हुए वहां ले गए थे और वहां पे विजय प्राप्त करते हुए आज वापसी है। हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे, बात कराएंगे, उनका एक्सपीरियंस हम आपके आप सभी के सामने रखेंगे। तो बिना समय व्यर्थ किए मैं आपको ले चलता हूँ सीधे संजय महशाक जी की तरफ। तो हमारे बीच मौजूद है संजय महशाक जी। संजय महशाक जी, आपको तो सबसे पहले हम बहुत बहुत बधाई देते हैं इस जीत के शुभ अवसर पर, और आप हमारे बीच क्या बात रखना चाहेंगे सर? जय जय हिंद। मैं बधाई तो आप मुझे दिया है, पर ये पूरे आइलैंडर्स को मैं पूरा बधाई देता हूँ, क्योंकि मैं जो अपना अपना प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि मैंने हर एक आइलैंडर्स का नाम रोशन किया है, यहाँ तक कि इंटरनेशनल लेवल में जाके, भूटान में जाके पूरा आइलैंडर्स का नाम मैंने रोशन किया है। और मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा, तो मैं प्रेसिडेंट और उनके पूरे हमारे जो जितने भी कमिटी मेंबर्स है AIFF के, सबों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिला। और रहा बात 15 दिन का जो हमारा टूर था, सैफ टूर्नामेंट अंडर 17 जो बॉयज़ का था भूटान में, तो बहुत अच्छा टूर्नामेंट था हमारा। बस यही मकसद था हमारे यहाँ से, हमारे प्रेसिडेंट जी, हमेशा उनसे कांटेक्ट होता था, वो बोलते थे नहीं जीतना है जीतना है, तो हमारा भी मकसद यही था। हम लोग भी, हमारा जो कमिटी, वहाँ के जितने भी ऑफिशियल थे, जो भी सैफ के जो अंडर 17 बॉयज़ के लिए जो इंडिया के ऑफिशियल थे, सब बहुत अच्छे हैं, सब अच्छा से एकदम डेडिकेटली इंडिया को कैसा भी जिताना है, तो उस तरह का करके लास्ट मोमेंट में हम लोग फाइनल में पहुंचे, बांग्लादेश को हम लोग 2-0 से हराए। तो ये बहुत गर्व की बात है कि अंडमान से एक बंदा को वहाँ पर भेजा है एज ए HOD, और अंडमान का एक बंदा जाके इंडिया टीम को मतलब जितवा के वापस आए हैं हम लोग, तो ये बहुत गर्व की बात है पूरे आइलैंडर्स के लिए। तो मैं इतना, और आपको मैं न्यूज़ अंडमान 24/7 को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो आए, और हमेशा भी वो हाईलाइट करते हैं जो अच्छे अच्छे चीज़ हैं, काफ़ी हाईलाइट करते हैं। तो मैं उन्हें, यमीन जी तो यहाँ पर अभी आए नहीं है, पर उनके रिप्रेजेंटेटिव आए हैं, तो मैं उनको पुनः धन्यवाद देता हूँ कि हमारा न्यूज़ को कवर करने के लिए आए हैं, ताकि लोगों को, हमारे यूथ को, सबों को एक अच्छा मैसेज जाए कि ना केवल संजय महशाक, इस तरह कई संजय महशाक जितना पैदा हो और जाए, पूरा एक्सपोज हो और अंडमान का जो इतिहास बनाए। ताकि मैं तो यही प्रयास करूंगा कि मैं जाने के बाद में बहुत तरह का हमारे ऑफिशियल से बात हुआ कि कैसा कैसा करना चाहिए कि हमारे अंडमान के बच्चे आए। तो हमारा सबसे बड़ा दिक्कत हम लोग को यही हो रहा है कि जितना भी सिलेक्शन ट्रायल होता है मेलैंड में होता है, तो उसमें क्या होता है, हमारे बच्चों को अगर जाता है कोई भी कैटेगरी का हो, तो वो यहाँ से वहाँ जाना मीन्स हम लोग कम से कम 20,000 रुपया ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होता है। तो हम लोग का प्रयास ये रहेगा अंडमान निकोबार फुटबॉल एसोसिएशन का कि जो वहाँ का ट्रायल लेने वाले को हम लोग अंडमान बुलाएंगे, यहाँ पर उनका ट्रायल करके यहाँ से हमारे हर कैटेगरी के बच्चों को वहाँ भेजेंगे। तो हमारे बच्चे भी, यही प्रयास रहेगा अनपा का कि हमारे बच्चे भी हर कैटेगरी का टूर्नामेंट में, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल में और इंटरनेशनल लेवल में भी, यही हमारा मकसद है कि हमारा अंडमान का प्लेयर जो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लायक हो जाए, तो तब हम लोग का मकसद पूरा होगा। अभी हम जानना चाहेंगे लोकल बॉन्ड एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री राकेश जी से, आज की इस जीत के अवसर पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संजय भाई को मुबारकबाद आपके चैनल को, थैंक यू आने के लिए। यामिन भाई को स्पेशल थैंक्स। मैं ये कहना चाहता हूँ ये मोमेंट में कि लोकल बॉन्ड एसोसिएशन बहुत प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि हम लोगों को कहीं ये दिखाना बहुत ज़रूरी था कि लोकल बॉन्ड सिर्फ नाम नहीं है, ये एक ताकत है। और संजय भाई प्रूफ करे कि लोकल बॉन एसोसिएशन एक एसोसिएशन नहीं, एक ताकत है, और ये भी प्रूफ करे कि फ्रीडम फाइटर्स के बच्चे आज किस लेवल तक जा सकते हैं। सबसे खुशी की बात यह है कि इतना छोटे से एक आइलैंड से, जो कभी आप मैप में अगर क्लियर कट देखोगे डॉट दिखाता है, वहां से निकल करके एक डॉट इंडिया, भारत माँ जिसको बोलते हैं, उसको, उसके टीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लेवल पे लेके जा रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है। और सिर्फ लोकल बॉन्ड के लिए नहीं, पूरा आइलैंडर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि संजय भाई
आइलैंड को रिप्रेजेंट करें, हमारे आइलैंड से गए हैं, तो पूरा आइलैंडर्स को आपके माध्यम से मैं यूथ को ये बोलना चाहूंगा कि अभी भी मौका है संजय भाई को देख करके, उनको हीरो समझ करके, ये जो नशा के ओर भाग रहा है ना, इससे थोड़ा दूर हटे, स्पोर्ट्स को अपनाए। स्पोर्ट्स में बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत इज्जत है, बट ये है कि देर से आएगा मगर जरूर आएगा। संजय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे हमारे आइलैंड के सभी निवासियों को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे। संदेश ये देना चाहिए कि हमारा जो जितना भी यूथ है, खास करके सभी यूथ नहीं है, काफी यूथ जो है गलत रास्ते में जा रहे हैं, ड्रग्स की ओर जा रहे हैं, तो मेरा यही मांग रहेगा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से कि हम लोगों को सुविधा प्रोवाइड करे, हर तरह का जो भी स्पोर्ट्स यहाँ पर होता है उसमें सुविधा प्रदान करे। जैसा कि हम लोगों को ग्राउंड का जो दिक्कत होता है, ग्राउंड अगर दे तो बच्चे नशे से दूर होकर हमारे इस तरह का स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भाग लेंगे। तो मेरा यही रहेगा जितने भी यूथ है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ ना देखे, छोटा से छोटा ग्राउंड में प्रैक्टिस करे और नशा से दूर रहे, यही जो मैं संदेश देना चाहता हूँ हमारे यूथ को। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।